मैं अरुण माझी, हम लोग जातीय स्तर पे नेशनल नेशन नहीं है, डेमोक्रेटिक बहुजन अलायंस नाम से हम लोग एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन बनाया, जैसे सारी सामाजिक संगठन भी हो, राजनीतिक संगठन भी हो, एक साथ में बहुजन मूवमेंट को हम लोग यूनिफाइड करेंगे, एक साथ में लेके जाएंगे सारा देश में, जैसे एक परिवर्तन हो। इसलिए डेमोक्रेटिक बहुजन अलायंस नाम से एक संगठन है, एक संगठन का संगठन है। इसी में भी जो पार्टी है द्रविड़ बहुजन पार्टी, न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया और सारी सब ऑर्गेनाइजेशन जुड़े हुए हैं। हर स्टेट में भी हम लोग, राज्य स्तर पे भी हम लोग अलायंस बना रहे हैं। बंगाल में हो गया, झारखंड में हो गया, उड़ीसा में हो गया, साउथ स्टेट में बनाया, उत्तर प्रदेश में तो है ही, हम लोग काम कर रहे हैं, राजस्थान में हैं, मध्य प्रदेश में हैं, और लोग डेमोक्रेटिक बहुजन अलायंस में सारी बहुजन मूवमेंट का जो संगठन है सबको एकत्रित करके हम लोग एक बहुजन जो राज बनाने के लिए हमारा जो सपना था, काशीराम जी, बाबा साहेब अम्बेडकर, सबका जो सपना था उसको हम लोग पूर्ण करेंगे। हम लोग चाहते हैं एक नेशन को, एक जैसे नेशन, नेशन शब्द में बोलते हैं जाति, जाति कास्ट नहीं है, नेशन शब्द आए हैं जाति नेशन से, जैसे यूनाइटेड नेशंस गठित हुआ था उसी के बोलते जाति संघ, जाति संघ, और हमारे इधर जाति कास्ट, हमारे इधर जाति बनता नहीं, कारण जितना दिन तक कास्ट रहेगा कैसे नेशन बनेगा, कास्ट का तो कोई नेशन नहीं, इसीलिए तो बाबा साहब बताया था जो एबोलिशन ऑफ कास्ट, काशीराम जी स्लोगन दिया था जाति तोड़ो समाज गौरव, इसका मीनिंग क्या है, एक समाज जो नेशन को बिल्डिंग कर, जो बिल्डिंग होगा नेशन का, जाति का बिल्डिंग होगा, यही तो स्लोगन है, जाति को तोड़ दो, हमारे समाज में एक नेशन, जो नेशन जो बिल्डिंग होता है, जो नेशन राज करते हैं वो नेशन हमारा कोई तैयार हुआ नहीं, और वो लोग कौन बोल रहा है, हिंदू नेशन, वो क्या बोल रहा है, हिंदू नेशन, हिंदुत्व तो नेशन, हिंदू नेशन, हिंदुत्व तो नेशन का एक मतलब होता है, कारण क्या है, दो बात, एक है जो ब्राह्मण लोग संख्या में बहुत कम है, दुनिया में जो संख्या में जो कम होता है ना, वो उसको बहुत दिमाग लगाते हैं।